अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी प्रो सोशल बिहेवियर की। ठीक हो गया, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रो सोशल बिहेवियर होता क्या है और उसके बाद उसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है जी, इससे आपको सही से पता चलेगा कि प्रो सोशल बिहेवियर एक्चुअली होता क्या है। सही हो गया, एक्शंस बाय इंडिविजुअल्स दैट हेल्प अदर्स ऑफन विद नो इमीडिएट बेनिफिट टू द हेल्पर्स। वो वाले एक्शंस हमारे, वो वाले काम जिसके ज़रिए हम दूसरों की मदद करते हैं लेकिन जो बंदा मदद कर रहा होता है उसको फौरी तौर पर किसी किस्म का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता, इन एक्शंस को हम क्या कहते हैं कि ये प्रो सोशल एक्शंस हैं, ये प्रो सोशल बिहेवियर है। ठीक है, जिस तरह आप ये देखें इस पिक में, तो ये जो है नौजवान, ये एक बूढ़े शख्स को पानी पिला रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या बूढ़े शख्स को फ़ायदा हो रहा है कि उसकी प्यास बुझ रही है, ठीक है, उसको पानी मिल रहा है, लेकिन ये जो शख्स है इसको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, फ़िलहाल के तौर पर इसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इनफैक्ट इसका तो अपना पानी भी ख़त्म हो रहा है। तो इसमें हम क्या है कि इसको खुद कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रो सोशल बिहेवियर। ठीक हो गया, उसके बाद वो कहते हैं कि सम साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई अ मैसिव अरे ऑफ बिहेवियर्स दैट फिट विद इन द ब्रॉड टॉपिक ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर, बट मोस्ट ऑफ दीज बिहेवियर्स फिट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स। वो कहते हैं बहुत सारे हमारे पास ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनको हम प्रो सोशल बिहेवियर कह सकते हैं, लेकिन मेनली क्या है कि प्रो सोशल बिहेवियर को थ्री डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। और वो कौन सी टाइप्स हैं, शेयरिंग, दूसरों के साथ अपनी चीज़ें बांटना, ठीक हो गया, हेल्पिंग, दूसरों की मदद करना, कंफर्टिंग, दूसरों को तसल्ली देना, उनके गम बांटना वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, ये है हमारे पास प्रो सोशल बिहेवियर। अब जो मेन इसकी एग्जांपल्स डिस्कस की जाती हैं, जब प्रो सोशल बिहेवियर को मतलब सरेआम लाया गया कि ये एक बिहेवियर एग्जिस्ट करता है, तो किन एग्जांपल्स के थ्रू लाया गया, उसमें हमारे पास आती हैं दो एग्जांपल्स हैं, कुक स्टोव्स विदाउट एनी प्रॉफिट। ठीक हो गया, साइंटिस्ट ने क्या किया था, कुछ ऐसे कुक स्टोव्स बनाए थे कि जो लोगों को, ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें, कुकिंग स्टोव, ठीक है, लेकिन क्या हो, वो ज़रा चीपर लाना चाहते थे कि मतलब लोग उसको अफोर्ड कर सकें क्योंकि वो बहुत महंगे थे। ठीक है, और एफिशिएंट लाने के लिए, सेफर, जो मतलब इजीली यूज़ किए जाएं और सेफ़ हों लोगों के लिए, उनको लाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, लेकिन वो ज़्यादा महंगे बन रहे थे, तो इस वजह से साइंटिस्ट ने खुद कोई पे, खुद कोई कंपनसेशन नहीं ली और सिर्फ मतलब उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उतना सिर्फ उनसे कीमत ली जितना उनका बीच में मतलब लगा था। ठीक है, मतलब उनको खुद कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इस तरह उन्होंने अपने डे एंड नाइट जो लगाए हैं उनका, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ इमीडिएटली। उन साइंटिस्ट को जाहिर सी बात है उनको कोई पे नहीं मिली, कोई प्रॉफिट नहीं मिला उस चीज़ का, कोई कंपनसेशन नहीं मिली, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ लोगों के भले के लिए कि उनको ये चीज़ अवेलेबल हो जाए, तो उन्होंने इस तरह किया। तो उनका ये वाला बिहेवियर क्या है, एक प्रो सोशल बिहेवियर है। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरी एग्जांपल, कार स्ट्रक ऑन रेलवे ट्रैक। इसमें हमारे पास एक शख्स था, क्या हुआ, उसने देखा कि उसकी सामने कोई कार है, ठीक है, उसमें दो लोग हैं और वो कार जो है वो स्टक हुई हुई है, फंसी हुई है कहाँ पर, एक रेलवे ट्रैक पर, और दूसरी तरफ से ट्रेन भी आ रही थी। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, उसने धक्का लगाया, वो मतलब जो अंदर लोग थे कार के वो बेहोशी की हालत में थे, बूढ़े दो थे, मियाँ बीवी। ठीक है, उसने उस कार को धक्के लगाए और उसको मतलब पुश किया और उसको बहुत मुश्किल से, उसने बहुत मतलब उसकी बुरी हालत होगी ये करते हुए, और उसने उस कार को पीछे कर दिया और बिल्कुल कुछ इंचेस से क्या हुआ, कुछ इंचेस से ट्रेन जो है वो गुजर के गई कार से। ठीक है, मतलब अगर वो ऐसा ना करता तो जाहिर सी बात है जब ट्रेन ने गुजरना था तो कार जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाने थे उसके, इसलिए उसने ऐसा किया और उसने उन दोनों को बचा लिया। ठीक है, मतलब एक हीरोइज़म वाला एक्ट किया उसने, वो हीरो बना वहाँ पर। तो यहाँ पर उसको खुद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट उसकी अपनी जान भी उसने ख़तरे में डाली। ठीक है, एक डेंजरफुल एक्ट था, ट्रेन उसको भी टकरा सकती थी, वो भी मर सकता था, लेकिन उसने अपनी जान को भी ख़तरे में डाला और दो अननोन जो मतलब स्ट्रेंजर्स थे, बिल्कुल उसको पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए उसने अपनी जान को भी मतलब ख़तरे में डाल दिया। ये वाला इसका क्या बिहेवियर था, एक प्रो सोशल बिहेवियर था, जिसमें हम अपने बेनिफिट को पीछे रखकर दूसरों की मदद करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि ये है जी प्रो सोशल बिहेवियर। ठीक हो गया, ये था हमारे पास प्रो सोशल बिहेवियर। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।